को अच्छे से समझाया जाए ना। क्या अभी आप बात कर रही थी कि सीए और एनआरसी को लेके, तो क्या आपकी राय है, क्या आप कहना चाहेंगी सीए और एनआरसी पर? उसमें आपको ये करना चाहिए कि मोदी जी को ये लोगों को समझाना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंस है। लोगों को यही नहीं पता कि एनआरसी की और सीआरबी क्या है, ये नहीं पता लोगों को। इसलिए ये जो दंगे हो रहे हैं, जगह जगह जाम लग रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, उसमें कितना देश का नुकसान है। तो उसके लिए मोदी जी को कहा जाए कि इसके लिए एक रैली रखी जाए ताकि लोगों रैली, को रैली अभी उन्होंने एक धन्यवाद रैली रखी थी यहाँ पर रामलीला मैदान में भी, तो उन्होंने वहाँ से कहा था कि इसमें कहीं पर भी, और शुरुआत से मोदी जी भी और अमित शाह भी ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि देश से देश के नागरिकों को बाहर निकाला जाएगा या धर्म नहीं आ रही, तो उसको कैसे समझाया जाए, कैसे अवेयरनेस कैसे लाई जाए, वो कैसे लोग समझेंगे, उनको पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है। ये तो पढ़े लिखे लोगों को पता है, अनपढ़ लोगों को क्या पता है, उनको तो दो रोटी का पता है कि दो रोटी कमानी है हमने, वो तो ये सोच रहे हैं हमें निकाला जा रहा है देश से। तो इसके लिए इसके मुद्दे पर सोचा जाए, जानकारी का अभाव है, जानकारी नहीं होने के कारण ये दंगे भड़क रहे हैं। हाँ, सही जानकारी का अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो इसलिए जागरूकता लाई जाए सही तरीके से। बट मैम एक चीज तो बड़ी ये भी है ना कि जामिया जैसी यूनिवर्सिटी, एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ के नवादा जैसी यूनिवर्सिटी में मतलब बहुत एजुकेटेड बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लोग भी सड़कों पे आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं फिर? अभी जानकारी उनको भड़काया जा रहा है ना, धर्म के नाम पे भड़का, उनको भी सही हो सकता है, उन्हें भी सही जानकारी ना मिली हो, उनको भी यही बताया गया हो कि जो भी हो रहा है हमारे साथ गलत हो रहा है ये देश। और मोदी जी के बारे में तो इसे भी कहा जाता है कि मुस्लिमों के खिलाफ रहते हैं, ये हिंदूवादी सरकार है। तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना के सिर्फ जागरूकता के नाम पे आप सिंप्लीफाई कीजिए। जो आपने कानून बनाया है वो अच्छा है, लेकिन उसकी सही जानकारी लोगों को सही तरीके से पता होनी चाहिए, चाहे आप न्यूज़ में बताइए या अपने कैंपेन करके बताइए, अलग अलग तरीके से बताइए, लेकिन सही जानकारी और सीधे और सरल तरीके से बताइए, किताबी भाषा में मत बताइए। इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ मैं, जैसे आपने मैं समझ पाया हूँ, इनको आप ये कहना चाह रही हैं कि इनको वैसे करना चाहिए जैसे केजरीवाल जी वॉलंटियर लगाते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने से, तो इन बताइए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, उनको बस ये बताया जा रहा है कि ये कि जो भी हो रहा है ये देश जो है वो हिंदूवादी सरकार है और ये हमारे खिलाफ है, तो जो भी होगा वो हमारे खिलाफ ही होगा। तो सही जानकारी दें और अलग अलग तरीके से जो उन लोगों की उनकी जो क्या कहते हैं सभी लोगों पे लोगों को बताना चाहिए, ये सबके लिए उन्हीं के लोगों को, जैसे मुस्लिम सरकार जो मुस्लिम लोगों को लगता है तो उन्हीं के लोगों को बुलाया कि उन्हीं लोगों को उनसे बताया जाए कि ये जो सरकार है ये गलत कानून नहीं बना रही, सही कानून बना रही और ये आप लोगों के पक्ष में आपके विरोधी नहीं है। इसके लिए है ना नागरिकता के लिए संशोधन जो किया है, कुछ ही लोगों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन पता सबको होना चाहिए कि ये है क्या चीज। लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, अवेयरनेस की कमी है, इसके लिए सबसे पहले उन लोगों को ये क्लियर करना चाहिए कि ये क्या चीज किसके बारे में बता रहे हैं। और इस तरीके से इकट्ठा होके लोगों को अफवाह इधर से उधर फैलाना, उससे तो हम और भी दुश्मनी का फैलाव ज्यादा कर रहे हैं, माहौल बन रहे, तो वो चीजें गलत है। लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते इस चक्कर में कि कभी कुछ हो गया तो हमारे बच्चे घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप इसके लिए मुद्दा उठाइए, जागरूकता लाइए लोगों में, बस जानकारी की कमी है और सही जानकारी की कमी है, लोगों को सही जानकारी है ही नहीं, भले लोग रैलियों में घूम रहे हैं लेकिन सबको बस इतना ही पता है कि मुसलमानों को लोग बाहर निकलना चाहते, उनको और कुछ नहीं पता है। तो आप सही जानकारी दीजिए और सही तरीके से दीजिए। ब्रेन वॉश भी हो रहा है इसमें, कई लोगों का तो ब्रेन वॉश भी हो रहा है, ये है कि जो चीजें समझानी चाहिए वो उसके बजाय उनको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, भटकाव के रास्ते पे ले जा रहे हैं कि हाँ उनको पता नहीं है वो चीज वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। केजरीवाल अपनी जगह दिल्ली में सही कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो लोगों को पता नहीं है, और करना बीजेपी नहीं है केंद्र की।